राशन के दुकानदार सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। ये प्रतिनिधि सरकार की विभिन्न जनपयोगी योजनाओं को घर घर में पहुंचाने का काम करते हैं। इस प्रतिनिधि को विभिन्न सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए बहुत अल्प सुविधाएं मिलती है। इन्हें जो कमीशन दिया जाता है वह भी बहुत अल्प होता है। जिले के सस्ते राशन के दुकानदारों की समस्या का समाधान करने के लिए राज्य के नागरी आपूर्ति मंत्री तथा भंडारा जिले के पालक मंत्री डॉक्टर विश्वजीत कदम को ज्ञापन सौंपकर उनसे इस बारे में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है। भंडारा जिला राशन दुकानदार संगठन के अध्यक्ष अरविंद कारेमोरे तथा सचिव मिलिंदर रामटेके के साथ साथ संगठन के अनेक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में पालक मंत्री को उक्त ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान संगठन की ओर से पालक मंत्री विश्वजीत कदम का स्वागत किया गया। सस्ते गल्ले के दुकानदार को मिलने वाला कमीशन बहुत ही कम है। इस कमीशन को आज की महंगाई को देखते हुए बढ़ाने की मांग पालक मंत्री से की गई। पालक मंत्री को जानकारी दी गई कि राशन दुकानदारों को गोदाम से दुकान तक घर तक पहुंचाने की योजना में हमाली देने की प्रावधान किया गया है। उसमें होने वाली अवैध हमाली को बंद करने की मांग इस दौरान की गई। इस मांग के अलावा कई अन्य मांगों की ओर ध्यान देने की गुहार भी ज्ञापन के माध्यम से की गई है। पालक मंत्री ने उक्त ज्ञापन पर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। BS क्राइम इंडिया न्यूज की रोजाना खबरों के लिए यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और गूगल प्ले स्टोर से BS क्राइम इंडिया न्यूज ऐप को डाउनलोड कर रोजाना खबरों के लिए हमसे जुड़े रहे।